मैं बाबू रियाज माइकल डाइसिस ऑफ फैसलाबाद हमारे लिए आज की अंजली तलावत बा मुताबिक मुक़दस योहन्ना ग्यारहवें बाब पैतालीसवीं ऐत से लेकर छप्पन आद तक तब यहूदियों में से बतेरे जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यसु का ये काम देखा उस पर ईमान लाए मगर उनमें से बाज ने फरीसियों के पास जाकर जो कुछ यसु ने किया था उनसे बयान किया इस पर सरदार कहनों और फरीसीियों ने अदालत आलिया की मजलस करके कहा कि हम करते क्या हैं ये आदमी तो बहुत करिश्मे दिखाता है अगर हम उसे यूँ ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान लाएँगे और अहले रोमा आकर हमारे वतन और कौम को ख़त्म कर देंगे और उनमें से एक क्या नामी ने जो उस साल का कहने आज़म था उनसे कहा कि तुम कुछ नहीं जानते और ना ख़्याल करते हो कि तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि एक आदमी कौम के बदले मरे ना कि सारी कौम हलाक हो जाए उसने ये अपनी तरफ से ना कहा लेकिन इस सब से कि उस साल का कहने आज़म था उसने नबूत की कि यसू कौम की खातर मरने को है और ना सिर्फ उस कौम की खातर बल्कि इसलिए भी कि वो खुदा के परगंदा फरजंदों को जमा करके एक कर दें बस उस रोज़ से उन्होंने ठान लिया कि उसे कत्ल करेंगे इसलिए आइंदा यस्सु ने यहूदियों में जहरन फिरना छोड़ दिया बल्कि उस इलाके में जो बियाबान के नज़दीक है इफ़्रैन नामी एक शहर में चला गया और शगर्दों के साथ वहाँ रहने लगा और यहूदियों की दसा नज़दीक थी और बतेरे फसा से पहले देहात से यरूशलेम को गए ताकि अपने आप को पाक करें और उन्होंने यसु की तलाश की और हैकल में खड़े होकर आपस में कहने लगे कि तुम क्या ख्याल करते हो क्या वो ईद में नहीं आएगा पाक कलाम के पढ़े और उसमें जाने पर खुदांद की खास बरकत हो खुदा का शुक्र हो खुदा बाप और बेटे और के नाम से आमिन मसीह तौन में मेरे अज़ीज़ों हम अपने रोज़ों के अयाम के अख्ताम पर पहुँच रहे हैं कल हम अजियत का एतवार जिसे आम तौर पर खजूरों का एतवार कहा जाता है मनाएंगे और यूँ हम पाक हफ्ते में दाखिल हो जाएंगे आज की अनजील मुक़दस हमें उन तमाम वाकियात और हालात से आगाह करती है जो यस्सु की अजियतनाक मौत का सबब बने खुदा यस्सु मसीह जब अपनी अलानिया ज़िंदगी का ऐलान करते हैं तो वो ना सिर्फ बाख्तियार तरीके से तालीम देते बल्कि बहुत से कुदरत भरे काम और मुआवजा दिखाते हैं जिनमें से एक मुआवजा जो योहाना की अंजील उसके ग्यारहवें बाप में मरकूम है वो लाजर का जिंदा किया जाना था यसु की मुनादी को देखते हुए उसके कलाम को सुनते हुए लोग दो तरह का अमल ज़ाहिर करते हैं पहला रद्द वो यसु पर ईमान लाते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं कि यस्सु ही वादा किया हुआ निजात दहिंदा मसीहा है ये रद्द ईमान का रद्द है लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि सरदार काहिन, फ़की फरीसी ये सब खुदावंद यसु मसीह से हसद और नफ़रत का शिकार हैं और उसकी वजह ये है क्योंकि ये दुनियावी सोच और दुनियावी फ़िक्र से भरे थे जो उन्हें यीशु पर ईमान लाने से रोक देती है तो दूसरा रद्द यीशु को धुतकारना यीशु का इनकार करना यीशु पर ईमान ना लाना है जब जब हम पाक हफ़्ते के अंदर दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं तो आज का कलाम हमें अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेने का मौका देता है कि क्या हम यसु को कबूल करते हैं या हम भी फखियों और फरीसियों की तरह यसु मसीह को रद्द करते और उसको धुतकारते हैं अपने रवैये से अपने बातों से मसीह में मेरे अज़ीज़ों जहाँ ये यहूदी महबी रहनुमा ख़ुदा यसु मसीह को रद्द करते उससे हसद करते हैं क्योंकि यस्ु रोज़ पर रोज़ लोगों में मकबूलियत पा रहा है मशहूर होता जा रहा है बड़ी तादाद में लोग उसके पीछे चल रहे हैं वहाँ वो मिलकर मंसूबा साजी करते हैं कि यस्सू को कैसे रोका जाए उसको कैसे ख़त्म किया जाए क्योंकि उन्हें यह लगता था कि यस्सु का यूं मशहूर होना उसके बड़े बड़े काम करना उनके लिए उनकी इख्तियार के लिए उनके उस रुतबे के लिए जो उनके पास है खतरे का बायस है उन्हें लगता था कि लोग उनकी सुनना छोड़ देंगे और सब यस्सू के पीछे हो लेंगे तो मसीह खुदा में मेरे अजीज़ों बहुत दफ़ा हम भी ऐसे वाक़ियात और हालात का शिकार होते हैं जब आप कोई अच्छा काम करते हैं आप भलाई का काम करते हैं आपको ख़ुदा अज़मत देता है तो लोग आपके खिलाफ़ साजिश करते हैं कि कैसे आपको नीस तो नबूद कर दिया जाए जहाँ ख़ुदा में मेरे अज़ीज़ों हम इन बातों पर गौर कर रहे हैं कि यसु के ख़िलाफ़ साजिश की गई उसके खिलाफ छूट खड़ा गया उसके लिए मंसूबे बनाए गए और आखिरकार यूँ लगता है कि सरदार काहिन काहन आज़म फरीसी ये सब अपने मंसूबों में कामयाब हो गए लेकिन आज का कलाम हमें उम्मीद देता है और वो उम्मीद मुकद्दस पलूस रसूल रोमियों के नाम ख़त उसके आठवें बाप की अट्ठाईसवीं आयत में यूं बयान करते हैं कि सब चीज़ें मिलकर उनके लिए जो खुदा को प्यार करते हैं भलाई पैदा करती हैं यीशु का भरोसा खुदा बाप पर था वो खुदा बाप की मर्जी को पूरा करना चाहता था और इसीलिए जब लोग उसके मुखालिफ़ हो जाते हैं तो वो अपना काम करना रोकता नहीं बल्कि लिखा है कि वो एलानिया तौर पर नहीं बल्कि खुफिया तौर पर वो सारे काम मुनादी के जारी रखता है जिसका बाप ने उसे करने का हुक्म दिया था यसु के साथ जो कुछ भी हुआ यहूदा का यसु मसीह को धोखा देना उसे बोसा लेके पकड़वाना पतरस का इनकार करना सरदार काइनों और फरीसियों का यसु पर इल्ज़ाम लगाना यसु की मौत का पिलातूस से मुतालबा करना पिलातूस का यसु को कूड़े लगवाना उस पर जुल्म करना सिपाहियों का यस्ु को छठा करना और फिर यस्सु को अजियतनाक मौत देना ये सारी चीज़ें अगर दुनियावी सोच से देखा जाए तो बहुत ही भयानक और बहुत ही कर्बनाक हैं और यूँ लगता है कि यस्ु का अंजाम बहुत बुरा हुआ लेकिन जैसा कि पौलुस रसूल ने कहा कि इन्हीं सारे बुरे वाकियात और हालात में खुदा ने अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया और उसने इन वाकियात को इस्तेमाल किया कि यस्सु पूरी दुनिया का निजात दहिंदा बने और सारी दुनिया को गुनाहों की माफी और दी ज़िंदगी अता करे तो खुदा ने मेरे अजीज़ों हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जब हम ख़ुदा की मर्ज़ी पर चलते हैं तो चाहे लोगों की मुखालफत आए चाहे अजियत आए चाहे कोई बीमारी आए चाहे कोई दुख या परेशानी आए खुदा इस कदर कुदरत रखने वाला है कि वो हमारे दुखों से जलाल पैदा कर सकता है आए खुदा में मेरे अज़ीज़ों हम खुदावन से फ़ज़ल मांगें कि हम हमेशा अपने दुखों में यस्ु के दुखों को शामिल रखें और ये ईमान रखें कि जैसा हम यस्सु के साथ मसलूब किए जाते हैं वैसा ही हम उसके साथ जी उठेंगे खुदावन हम सबको आज के कलाम के जरिए ईमान से भरे मसीह हमारे खुदांद के वसीले से आमीन